हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पिट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अपने क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जिसमें पूछ रहा है कि वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था, वो किस वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, यानी किस वर्ष में उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ऑप्शन आपके पास 1598 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1498 ईस्वी या 1600 ईस्वी। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज सन 1498 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था। ऑप्शन आपके पास वीरा पांडे, कट्टा बोम्मन, राजा राजा चोल, मार्तंड वर्मा या हैदर अली। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ था, वेल्लोर विद्रोह, वो किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन आपके पास 1812 में, 1800 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में या 1813 ईस्वी में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था वो 1806 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में या 1809 ईस्वी में। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने लाख का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। 82 लाख, 26 लाख, 44 लाख या 68 लाख। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26 लाख। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बंबई, हुगली, मछलीपट्टनम या चौल। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो मछलीपट्टनम था वो पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया, डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी ने या पुर्तगाली ने। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने ही भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन आपके पास 1936 में बंबई से ठाणे के मध्य, 1853 में बंबई से सूरत के मध्य, 1853 में बंबई से ठाणे के मध्य या 1851 में बंबई से घाट कोपर के मध्य। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर आपसे कह रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, 1852 में, 1872 में, 1881 में या 1952 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगी कि भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था, दादा भाई नरोजू ने, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र या जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दादा भाई नरोजी हो जाएगा कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया गया था वो दादा भाई नरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, अवध, तैमूर, पूना या तंजौर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मैसूर। मैसूर ऐसा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी, जमींदारी, महालवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी, दस्तक जो प्रणाली थी वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि बंबई जो कि पहले बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, बंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? अभी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ऑप्शन आपके पास 1835 में, 1825 में, 1853 में या 1840 में। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी जो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को आया था उसे और किस नाम से जाना गया? शारदा अधिनियम, विजय लक्ष्मी पंडित अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावटी अधिनियम। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम में, पुणे में, मद्रास में या बॉम्बे में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर था वो बॉम्बे में था, यानी मुंबई में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम XB 1856 यानी ये इसका मतलब हो जाएगा 15वां अधिनियम 15वां 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड किसके द्वारा पारित किया गया था? हार्डिंग द्वारा, ऑकलैंड द्वारा, कैनिंग द्वारा या मेटकॉल्फ द्वारा। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1891 में बीएम मलाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार किस वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था? 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने क्या घोषित किया? सती प्रथा को अवैध घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध घोषित किया, विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया या बाल विवाह को अवैध घोषित किया। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? भारतीय शासक को, ब्रिटिश शासक को, मुगल शासक को या डच शासक को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ब्रिटिश शासक को, यानी भारत में जो ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है वो ब्रिटिश शासक को दिया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या मद्रास में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, महलवाड़ी प्रणाली जो लागू की गई थी वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बिपिन चंद्र पाल ने। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबा रामचंद्र ने अवध के कृषक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूदान आंदोलन जो था उसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को, श्री रामचंद्र रेड्डी को, महात्मा गांधी को या विनोबा भावे को। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि मेरठ छावनी ने 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? यानी मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी?
8 मई 1857 से, 11 मई 1857 में, 10 मई 1857 में, या 9 मई 1857 में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, या भोपाल की सिकंदर बेगम? तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की कोई भी सहायता नहीं की थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, या बेगम हजरत महल? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला जो थी वो थी बेगम हजरत महल। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, या विंचेस्टर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, या सैयद अहमद खान? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि 1857 का जो सिपाही विद्रोह था वो विद्रोह नहीं है। तो यहाँ भी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी गई थी? यानी जो प्रसिद्ध नेता थे तात्या टोपे, उन्हें अंग्रेजों ने 1859 में फांसी कहाँ दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, या सागर में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि तात्या टोपे को शिवपुरी में अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1857 में, 1935 में, 1842 में? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1857 में हुआ था। फिर आपसे कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? मुंबई में, अहमदाबाद में, पुणे में, या कलकत्ता में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम महाविद्यालय यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना किसने की है? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने, या सैयद अमीर अली ने? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, या स्वामी विवेकानंद? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। फिर आपसे कह रहे हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजगोपाल चट्टोपाध्याय ने? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन हम इसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, स्थापना कब की गई थी, 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? यानी कौन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, या महात्मा गांधी? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, राजा राम मोहन भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। तो यहाँ आपका यानी भारतीय नेता थे, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या राजा राधाकांत देव ने? तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहे हैं रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में, चेन्नई में, बेलूर मठ में या कुंभकोणम में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो बेलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1829 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे किस सभा के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ऑप्शन आपके पास आत्मी, आर्य, सिद्धि या जागृति। तो राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन है ये क्लियर नहीं है, तो इस क्वेश्चन में को मैं आपको बाद में कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल फोकस करते हैं। इसमें कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई, शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना हुई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी या सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा सन 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कहां विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में या लॉस एंजेलिस में। तो यहां आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि शिकागो में विश्व धर्म संसद जो कि 1893 में हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फ्रीथिंकर्स सोसाइटी या फ्रीमेसन्स सोसाइटी। तो यहाँ आपको राइट ऑप्शन बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ भी आपका कंफ्यूजन है, क्लियर ऑप्शन नहीं बता रहा है कि इसमें क्लियर कौन सा हो जाएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे, 1923 में, 1924 में, 1925 में या 1922 में। यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो 1924 में बने थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया, December 27, 1911 कलकत्ता अधिवेशन में, January 26, 1931 कलकत्ता में, January 24, 1950 दिल्ली में या August 14, 1896 इलाहाबाद में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम December 27, December 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन वो सर्वप्रथम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया क्या किया था, मैं यानी कि जो 1916 का लखनऊ समझौता था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, उसका रीजन क्या है, किसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया, अंग्रेजों के साथ संधि की, होम रूल लीग से अलगाव किया या पूर्ण स्वराज की मांग की। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि 1916 का लखनऊ समझौता इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1882 में, 1884 में, 1885 में या 1889 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी IMC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में किस स्थान में हुई थी, यानी कहाँ हुई थी, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में। यहाँ इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, बंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में कहाँ संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या मेरठ में। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगांव या 1925 कानपुर। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 सत्र जो कि बेलगांव में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। फिर आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या आरंभिक चरण को किस चरण के नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा चरण कहा जाता है, अंतिम, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आजाद या बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में वो ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, यानी किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? मिंटो, कर्जन, चेम्सफोर्ड या इरविन। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एल्गिन सेकंड, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हार्डिंज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लॉर्ड कर्जन। जब वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। फिर आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905 में, 19 जुलाई 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 में या 1 सितंबर 1905 में। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की जो घोषणा की थी वो 19 जुलाई 1905 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ था विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, सी आर दास ने, आशुतोष मुखर्जी ने या रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बंगाल के विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे वो किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है, यानी जब अंग्रेजों ने आजादी के लिए जब भारतीयों ने ये शपथ उठाई कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों का ही उपयोग करेंगे विशेष रूप से कपड़े का, तो उस आंदोलन को कौन सा आंदोलन बोला गया? भारत छोड़ो आंदोलन, विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या होम रूल आंदोलन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन बोला गया। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे कौन एक मकसद नहीं था? बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो की नीति अपनाना, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना या सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये उनका एक मेन मोटो नहीं था, यानी मेन मकसद नहीं था, बाकी तीन लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे मकसद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल में, इलाहाबाद में, कानपुर में या जबलपुर में। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद में। फिर आपसे कह रहा है कि किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह या सूर्य सेन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भगवती चरण बोहरा थे उन्होंने द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी,
सचिन सान्याल या रास बिहारी बोस। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। फिर कह रहा है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे, हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या सामजी कृष्ण वर्मा। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि गदर आंदोलन के जो नेता थे वो थे हरदयाल। फिर आपसे कह रहा है कि अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी, जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिन दास या विनय भोज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जतिन दास की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। फिर आपसे कह रहा है कि 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। ऑप्शन आपके पास कर्जन वाइली, किंग्सफोर्ड, जॉन मार्ले या लॉर्ड कर्जन। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है किंग्सफोर्ड। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड नामक जज पर बम मारा था और उसे मारने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की, जीके गोखले, राजगोपालचारी, वीर सावरकर या अरुणा आसफ अली। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त भारत समाज की जो स्थापना की थी वो वीर सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सही मिलान करना है आपको, एक तरफ नेम दिए हुए हैं, दूसरा तरफ षड्यंत्र यानी यहाँ जो मामला दिया गया है यानी आप कौन किससे रिलेटेड वो आपको बताना है। यहाँ जो पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, ये आपके काकोरी षड्यंत्र मामले से रिलेटेड थे, और जो सूर्यसेन है ये चटगांव शस्त्रागार छापा से रिलेटेड थे, और जो अरविंदो घोष थे ये आपके अलीपुर बम मामले से रिलेटेड थे, और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले से रिलेटेड थे। तो सही कौन सा हो जाएगा मिलान, 2341, 2341 किसमें दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कोमा गाता मारू घटना या लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कोमा गाता मारू घटना की वजह से गदर क्रांति का आरंभ हुआ था। फिर आपसे कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, मेरठ में, इलाहाबाद में, आगरा में या कानपुर में। यहाँ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो चंद्रशेखर आजाद थे वो इलाहाबाद में शहीद हुए थे। फिर कह रहा है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, राजा कुंवर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, छत्रपति साहू या नाना साहेब। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, राजा महेंद्र प्रताप। ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने भारत के भीतर और बाहर दोनों में ही क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाई है। इस क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को और क्या कहा जाता है, अनुशीलन समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज या सत्य शोधक समाज। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मित्र मेला। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो स्थापित गुप्त समाज था उसे मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट यानी किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, किंग्सफोर्ड, सोर, क्लार्क या बार्लो। ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, दो तीन अगर आगे जाए तो वहां हमने डिस्कस किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। फिर कह रहा है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन आपके पास चित्रंजन दास, गणेश घोष, बाघा जतिन या उल्लास्कर दत्ता। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, जोसेफ लेलीवेल्ड, जोसेफ डॉक, लुइस फिशर या एरिक फॉर्नर ने। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस फिशर ने ऐसा कहा है कि महात्मा गांधी के असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है, ये स्टेटमेंट लुइस फिशर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
6 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन आपके पास बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1921 ईस्वी में, 1922 में, 1923 में या 1924 में। तो यहाँ जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटर मरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1890, 1891, 1892, 1893। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1893 में। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया? 3, 2, 1 या एक भी नहीं। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया है। फिर कह रहा है कि कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, व्यवसाय या सत्याग्रह। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। फिर कह रहा है 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? ऑप्शन आपके पास खेड़ा, भारत छोड़ो, नागरिक अवज्ञा या चंपारण। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चंपारण, जो किसानों के समर्थन में था। 1917 का चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। इस क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920 में, मार्च 1918 में, फरवरी 1919 में या अप्रैल 1921 में। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी वो फरवरी 1919 में की थी। फिर आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अर्थव्यवस्था की वकालत की? स्थानीय, केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत या ग्लोबल। यह जो आपका सी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। फिर आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। यानी इसमें से कौन सा महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता और उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? तो राइट ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो खादी था वो भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक माना जाता था महात्मा गांधी जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कौन कह रहा है कि कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? ऑप्शन आपके पास गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग, मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग या गांव या गांव सर्वोदय का पुनर्जन्म। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी के लिए आर्थिक विचार कौन सा नहीं था? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे? मणिलाल गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, देवदास गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के जो लेखक हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें नहीं थी? जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए या भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये कोई इन चारों में से सेकंड वाली जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये इन शर्तों में से नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे थे? जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जो थे वो भाप से चलने वाले जहाज जिसका नाम था SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर किस बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की? रस्किन, नटाल,
प्रिटोरिया या फोनिक्स। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या हरियाणा में? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया था, प्रारंभ किया गया था, वो बिहार में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन डांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? 10 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 4 अप्रैल 1930 या 4 फरवरी 1922? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो डांडी मार्च की शुरुआत हुई थी वो 12 मार्च 1930 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं कह रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920 या 19 अप्रैल 1919? तो राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फिर कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, सैनिक विद्रोह या असहयोग आंदोलन? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट किया था वो किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में या 1922 में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। फिर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? फरवरी 1922 में, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। फिर कह रहा है कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौरी चौरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। फिर कह रहा है कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 13 मार्च 1922, 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922 या 5 मई 1922? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी। फिर कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा किस जिले में घटी थी? फैजपुर में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या रायबरेली में? तो ये घटना जो घटी थी वो थी गोरखपुर में, यानी चौरी चौरा घटना हुई थी गोरखपुर में जिसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। फिर कह रहा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? राजगुरु, विठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय, सी आर दास? तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, राइट ऑप्शन कौन सा है? लाला लाजपत राय। फिर आपसे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रक्रियावादी उपागम या नमक कर के विरुद्ध? तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। फिर कह रहा है कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के पूर्व उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है जिसे ब्रिटिश औपनिवेशक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में इस संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था? दार्जिलिंग, शिमला, लासा या काठमांडू? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिमला संधि पत्र में ये प्रस्तावित किया गया है। फिर कह रहा है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या क्लीमेंट एटली? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। फिर कह रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंट बिटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विविल, क्लीमेंट एटली या सिरिल रेडक्लिफ? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरिल रेडक्लिफ।
कह रहा है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज, यानी रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। फिर कह रहा है कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, आजाद हिंद फौज किससे रिलेटेड है? सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। फिर कह रहा है कि किस नेता को नेताजी कहा जाता था? गोपाल कृष्ण गोखले को, सुभाष चंद्र बोस को, मोहम्मद अली जिन्ना को या महात्मा गांधी को? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? जुलाई 1943 में, सितंबर 1943 में, अक्टूबर 1943 में या दिसंबर 1943 में? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी वो अक्टूबर 1943 में की थी। फिर कह रहा है कि जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 1909 में, 1920 में, 1895 या 1897? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1909 में, यानी जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार 1909 में अधिनियमित किया गया था। फिर कह रहा है कि स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, नरसिम्हाचारी या रामास्वामी सियार? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी। फिर कह रहा है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कार्नवालिस ने? तो यहाँ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। फिर कह रहा है कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मेयो? यानी श्री राजगोपालचारी से पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्हीं का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो आपका ई ऑप्शन वो सही हो जाएगा, श्री राजगोपालचारी से पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। फिर कह रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया? अहमदाबाद, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या त्रावणकोर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए थे और उसके बाद दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? यहाँ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। फिर आपसे कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन था? झांसी, सतारा, करौली या संबलपुर? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, सतारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो प्रथम शिकार हुआ था वो था सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? 1854 में, 1856 में, 1857 में या 1858 में? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है बी, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में अपने कब्जे में ले लिया था। फिर कह रहा है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस ने सिविल सेवा प्रारंभ की थी। तो यहाँ हमने टोटल 116 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सभी क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आपको ना आए, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड है तो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।